हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं अनीशा आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास ट्वेल्थ की जो आपकी इलेक्टिव बुक है विच इज क्लाइडोस्कोप उसकी पोम नंबर थ्री विच इज़ पोम्स बाय ब्लेक और आज ये जो पोम्स बाय ब्लेक है आप सबको पता ही होगा इसमें टू पार्ट्स हैं आपकी पोम्स के यानी दो पोम्स गिवन है जिसमें से जो पार्ट वन यानी जो आपकी पहली पोम है द डिवाइन इमेज आज इस डिवाइन इमेज का मैं पोम का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम लेकिन उससे पहले लेट्स रीड अबाउट द ऑथर एंड लेट्स रीड अबाउट द पोएट सो विलियम ब्लेक हुज पिक्चर यू कुड सी ऑन माई लेफ्ट एंड साइड इज द पोएट ऑफ दिस पोम इनका बर्थ ईयर 1757 में हुआ था और डेथ ईयर 1827 में हुई थी तो ये जो विलियम ब्लेक है ये एक कवि रह चुके हैं एक पेंटर रह चुके हैं एंड एक एनग्रेवर भी रह चुके हैं एनग्रेवर यानी वो व्यक्ति जो लकड़ी पे ग्लास पे वुड पे किसी पर भी गुद के नाम लिखते हैं या वर्ड्स लिखते हैं यानी वो ग्रेविंग का काम करते हैं तो दैट तो इज इनग्रेवर तो ये विलियम ब्लैक एनग्रेवर भी रह चुके हैं ये जो देखते थे वही ये पेंटिंग वही उसकी पेंटिंग करते थे क्योंकि ये पेंटर थे और यूजुअली ये क्या पेंटिंग करते थे पेंटिंग वॉर द्यूमन बींग्स बेसड विद ईविल्स ट्राइविंग फॉर द डिवाइन विद इन देम अब बेसट का मीनिंग क्या होता है सराउंडेड यानि जो किसी के इर्द गिर्द होता है तो ये जो देखते थे वही ये चीज़ पेंट करते थे और यूजुअली ये जो देखते थे वो होते थे ह्यूमन बींग्स यानी ऐसे इंसान जिनके आसपास पास ईवल चीज़ें होती थी यानी जो बुरी क्वालिटी से भरे रहते थे यानी जिनको जेलसी गुस्सा एंगर ग्रीडीनेस लालच ये उससे घिरे हुए लेते थे, थे लेकिन फिर भी इस तरीके के जो लोग होते थे वो फिर भी डिवाइन की खोज करते रहते थे यानी कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करते रहते थे क्योंकि आखिर तो इंसान है उनको सुख शांति और पीस कहाँ मिलेगा सारी तकलीफ़ों के बाद जब तक वो भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो इस तरीके के लोगों की ये पेंटिंग करा करते थे जो ब्लैक के लिरिक्स थे वो दो सेट ऑफ वॉल्यूम्स में हमेशा आए पहला था सॉन्ग्स ऑफ इनसेंस तो जो इनके सॉन्ग्स ऑफ इनिसेंस का कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स था उसमें से आपकी पहली पार्ट ऑफ पोम ली गई है जिसका नाम है द डिवाइन इमेज जिसका एक्सप्लेनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं और दूसरी थी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ये इनकी दूसरा कलेक्शन ऑफ पोम्स था जिसमें से आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द पोम लिया गया है जिसका नाम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट ओके रिप्रेजेंटिंग द टू कॉन्ट्री स्टेट्स ऑफ अ ह्यूमन सेल और दोनों पोम्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं दो अलग तरीके की इंसानों की आत्माएं जो अलग फील करती है इस पोम में आप एक ऐसी इंसान इस टाइप के इंसानों के बारे में पढ़ोगे जो एक अलग टाइप के होंगे और जब आप द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे तब एक अलग टाइप की ह्यूमन सोल के बारे में पढ़ोगे और दोनों ही एक दूसरे के कंट्रास्ट uh, में है यानी दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएट एंड नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोम द डिवाइन इमेज स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं पोम का इस फॉर्म में डिवाइन इमेज बोली गई है भगवान को डिवाइन यानी जो चीज़ भगवान से कनेक्टेड होती है भगवान ही स्पिरिचुअली जो होती है तो भगवान को ही डिवाइन इमेज कहा गया है कि स्पिरिचुअल मूर्त किसकी है भगवान की तो पोइट कहते हैं कि चार क्वालिटीज़ एक इंसान के अगर अंदर अगर आ जाए और वह चार क्वालिटीज़ कौन सी है मर्सी किसी के ऊपर रहम करने की क्वालिटी पिटी यानी किसी के ऊपर दया करने की क्वालिटी पीस यानी काम एंड शांत रहने की क्वालिटी एंड लव यानी प्यार की क्वालिटी अगर ये चारों क्वालिटीज़ किसी इंसान के अंदर आ जाए तो समझो वो इन भगवान इंसान रूपी भगवान बन गए क्यों क्योंकि ये चारों क्वालिटीज़ भगवान के अंदर होती है और जो लोग धीरे धीरे अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करते हैं और इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं वो धीरे धीरे समझो भगवान बन जाते हैं तो पोएट के कहने का मतलब ये है कि जो लोग इन सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं वो गॉड के बहुत क्लोज हो जाते हैं और ऐसे इंसानों को गॉड अपना चाइल्ड कंसिडर करते हैं यानी अपना बच्चा कंसिडर करते हैं भगवान और उनको अपनी शरण में ले लेते हैं उनको कभी कोई दुख तकलीफ़ नहीं आने देते भगवान ऑल्सो उनका पोएट का कहने का मतलब ये है कि हर इंसान में आपको भगवान देखेगा क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान में ये क्वालिटी मौजूद होगी क्यों क्योंकि हमारे परम पिता जो गॉड है परमेश्वर हैं हम उन्हीं के बच्चे हैं तो उन्हीं की क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं हम में हैं भले हम गुस्सा कर रहे हैं हम लालच दिखा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम है तो उन्हीं के संतान हमारे अंदर वो सब क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं छुपी हुई है हमें बस ढूंढनी है तो पोएट कहते हैं कि सब सबको भगवान की नज़र से देखो क्योंकि सबके अंदर एक भगवान बैठा हुआ है किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो क्योंकि जहां पर प्यार है जहां सुकून है शांति है वहीं पर समझो भगवान भी है सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोअम एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोअम लाइन बाय लाइन टू मर्सी पिटी पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस तो यहाँ फर्स्ट टू लाइन्स में बोला जा रहा है कि जब भी हम ह्यूमन बींग्स डिस्ट्रेस में होते हैं यानी परेशान होते हैं अपनी तकलीफों में परेशान हो रहे होते हैं तो हम भगवान से क्या मानते हैं हम भगवान से मांगते हैं भगवान हम पे मर्सी करो यानी रहम करो हम पर दया करो हमारे जीवन में शांति लाओ हमारे जीवन में प्यार की भावना लेकर आओ तो हम सारी ये तकलीफ़ों से बाहर निकल पाएँ ऐसा हम सब ह्यूमन बींग्स करते हैं जब भी तकलीफ़ों में आते हैं एंड टू दीज वर्चूज़ ऑफ द रिटर्न देयर थैंकफुलनेस वर्चूज़ का मतलब क्या होता है गुड क्वालिटीज़ अच्छी क्वालिटीज़ जो हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स की होती हैं और डिलाइट यानी जब कोई चीज़ किसी को खुशी देती है तो एंड टू दीज वर्चूज़ ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस यानी जब इंसान तकलीफ़ों के वक्त भगवान से ये मर सी पिटीपी इस लव मांगता है और भगवान देते भी हैं अपने बच्चों को यानी हम इंसानों को देते हैं तो जब हमें ये वर्चूज़ ऑफ डिलाइट मिलती है यानी जब हमें ये हाई मॉरल गुड स्टैंडर्ड की जो क्वालिटीज़ भगवान देते हैं उससे हमें डिलाइट यानी खुशी मिलती है और हम फिर क्या करते हैं हम रिटर्न में बदले में भगवान से भगवान के लिए बहुत थैंकफुल फील करते हैं हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं कि थैंक यू आपने हमें ये सारी चीजें दी जिससे हमारी तकलीफें दूर हुई और हमारी लाइफ बेटर हुई फॉर मर्सी पिटी पीस एंड लव इज गॉड आर फादर dear अब गॉड कौन है भगवान कौन है हमारे फादर हम बोलते हैं ना परम पिता परमेश्वर पिता क्यों बोलते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि ये पूरी धरती को पूरी सृष्टि को भगवान ने बनाया है और इसीलिए वही हमारे पिता हैं अगर भगवान ने हमें बनाया है यानी तो ये जितनी भी क्वालिटीज़ जिस भी इंसान के अंदर होंगी यानी मर्सी की पिटी की पीस की लव की समझो वो साक्षात भगवान है क्यों क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ हमारे परम पिता परमेश्वर में हैं और समझो अगर हमें भी उन्होंने ये क्वालिटीज़ दे दी तो समझो हमारे अंदर भी भगवान बसेंगे क्योंकि ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी होंगी एंड मर्सी पिटी पीस एंड लव इज़ मैन हिज चाइल्ड एंड केयर और समझो जिस इंसान में ये रहम की भावना दया की भावना शांति की और प्यार की भावना आ गई जिस इंसान में जिस भी मैन में आ गई तो समझो भगवान उसे अपना चाइल्ड मान लेते हैं यानी कि अपना बच्चा कंसिडर करते हैं और हमेशा उसकी केयर करते हैं यानी ऐसे ऐसे व्यक्ति को भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं और कभी उन पर कोई आँच नहीं आने देते कोई तकलीफ़ कोई दुख उन तक पहुँचने नहीं देते क्यों क्योंकि ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं ये आपकी लाइफ को बेटर बनाती हैं और यही आपको भगवान के करीब ले जाएंगी फॉर मर्सी हैज़ अूमन हार्ट ये बोला जा रहा है फ़ॉर मर्सी हैज़ अूमन हार्ट मतलब जिस इंसान के दिल में मर्सी यानी रहम की भावना यानी किसी को तड़पते हुए बिलखते हुए परेशान होते हुए देख रहे हो और हम उसको रहम आ रहा है हमको उसके ऊपर कि चलो रहम कर देते हैं छोड़ देते हैं इसको तो समझो वो एक इंसान का दिल है वो एक समझो इंसान का दिल है पिटी अूमन फेस और जब अगर हमें किसी के ऊपर रहम आ रहा है तो बाद में आखिर हमको उस पर दया भी आएगी कि चलो यार दया आ रही चलो ले ले पैसे चल तू ले ले ठीक है तो समझो अगर आपको किसी पर रहम की फीलिंग है दया की भावना तो समझो आपका इंसान का दिल है एंड लव ह्यूमन फॉर्म डिवाइन और अगर आपके अंदर प्यार यानी लव की फीलिंग है तो समझो आप ह्यूमन फॉर्म डिवाइन हो गए हो यानी अगर आपके अंदर मर्सी लव और प्यार की फीलिंग आ गई है तो आप समझो इंसान के रूप में एक भगवान ही हो क्यों क्योंकि आपके जो परम पिता परमेश्वर जो गॉड हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं आपने उनसे प्रेयर में ये सारी चीज़ें मांगी जब आप तकलीफ़ में थे उन्होंने आपको दी भी तो अब समझो क्या हो गया आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ आ गई और आप उनके बच्चे हो और कही कहीं ना कहीं भगवान आपके अंदर समा रहे हैं तो अगर भगवान आपके अंदर समा रहे हैं तो आप इंसान के रूप में डिवाइन हो यानी इंसान के रूप में आप गॉड हो यानी सबके अंदर एक भगवान बसता है एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा पीस में रहते हैं यानी सुकून और शांति में रहते हैं ऐसे लोग कभी किसी से झगड़ा और लड़ाई कभी नहीं करते वो लोगों ने पीस को अपना ड्रेस अपना वस्त्र बना दिया वो पीस को मानो पहन के घूमते हैं यानी चाहे कैसी भी सिचुएशन कैसी भी कंडीशन आ जाए वो लोग हमेशा शांत रहेंगे पीसफुल रहेंगे और सुकून में रहेंगे कभी झगड़ा नहीं करेंगे तो ऐसे लोग क्यों के क्या होते हैं ऐसे लोग तो ऐसे लोग इंसान के रूप में समझो भगवान है तो पोएट का यहाँ बोलने का मतलब यह है कि हर इंसान के अंदर एक भगवान बसता है हमें सबसे प्यार करना चाहिए यानी हमको सबके लिए मर्सी दया लव एंड पीस की फीलिंग रखनी चाहिए तभी भगवान भी हमारे पास होंगे देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन इज डिस्ट्रेस क्लाइम का मतलब क्या होता है हेअ मैन ऑफ एवरी रीजन कास्ट एंड कलर कोई भी आदमी किसी भी कास्ट का किसी भी कलर का चाहे वो गोरा है काला है किसी भी रीजन का यानी किसी भी जगह का तो यहाँ पर ये यह बोला जा रहा है कि कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी कास्ट का हो हिंदू हो मुस्लिम हो कैसा भी कलर है उसका किसी भी रीजन का है आपके देश का है कि विदेश का है कहीं का भी है वो हमेशा प्रेयर करेगा भगवान से जब भी डिस्ट्रेस में होगा यानि जब भी तकलीफ में होगा हमेशा प्रेस टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन और किससे प्रेयर करेगा ह्यूमन फॉर्म डिवाइन से यानि प्रेयर तो गॉड से ही करेगा लेकिन गॉड किस फॉर्म में है ह्यूमन फॉर्म में है इसका एग्जाम्पल है जीजस क्राइस्ट जब जीजस क्राइस्ट थे वो तो इंसान के रूप में ही पैदा हुए थे इस धरती पे भले ही गॉड है लेकिन इंसान के रूप में ही पैदा हुए थे और उन्होंने ही ये सारी क्वालिटीज़ लोगों तक पहुंचाई अपने बच्चों तक पहुंचाई कि मर्सी पिटी लव पीस ये सब क्वालिटीज आप एक दूसरे में आपस में रहो रखो तो हम क्या करते हैं हम प्रेयर तो इंसान की ही करते हैं जीसस की कर रहे हैं जिन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया इस देश धरती पर लेकिन वो है क्या वो डिवाइन है वो गॉड है। और इन लोगों के पास ऐसे लोगों के पास कौन सी क्वालिटी होती है लव मर्सी पीस एंड पिटी की क्वालिटी होती है और यही प्रवचन वो दर, दुनिया को भी बांट के चले गए कि इसी के साथ रहो तभी आपकी दुनिया स्वर्ग जैसी होगी एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल और हम सभी को प्यार करना चाहिए ह्यूमन फॉर्म को यानी अगर हमने प्रेयर में भगवान से मर्सी पिटी पीस लव ये क्वालिटीज मांगी है भगवान ने हमें दी भी है दैट मीन्स ये सारी क्वालिटीज़ किसके अंदर आ गई ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ गई और ये भगवान की जो क्वालिटीज़ अगर हमारे अंदर आ गई दैट मीन्स साक्षात भगवान हमारे अंदर बसते हैं अगर मैं आपसे लड़ाई कर रही हूँ दैट मीन्स मैं आपसे नहीं लड़ाई कर रही हूँ मैं भगवान से लड़ाई कर रही हूँ क्योंकि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो भगवान बसते हैं अगर मैं आपको गाली बक रही हूँ तो दैट मीन्स मैं आपको गाली नहीं बक रही समझो मैंने उस भगवान को गाली बक दी क्योंकि आपके अंदर वो भगवान बस रहे हैं इसीलिए हमें प्यार करना चाहिए सारे ह्यूमन फॉर्म को यानी सारे ही ह्यूमन बींग्स को क्यों क्योंकि सबके अंदर भगवान बसते हैं और सबके अंदर कहीं ना कहीं ये चार क्वालिटीज़ होती हैं क्योंकि हम उस परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ होंगी ही अपने फादर की क्वालिटीज़ इन हैथिन टर्क और ज्यू हेथिन का मतलब क्या होता है अ पर्सन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट रीजन एक ऐसा व्यक्ति जो एक अलग ही रीजन में बिलोंग करता है हमारे आसपास के रीजन का नहीं है टर्क मतलब टर्की में रहने वाला व्यक्ति ज्यू यानी यहूदी कास्ट का जो व्यक्ति है तो ये बोला जा रहा है हमसे कि चाहे आप किसी कोई व्यक्ति किसी भी रीजन का हो किसी भी कास्ट का हो चाहे टर्की का हो यहूदी का हो आपके देश का हो विदेश का हो काला हो गोरा हो किसी भी कास्ट का हो डजेंट मैटर आप हर ह्यूमन फॉर्म को प्यार करिए और प्यार की नज़र से देखिए रिस्पेक्ट करिए पीस बनाए रखिए रहम मर्सी एंड पिटी की फीलिंग रखिए दया की फीलिंग रखिए वेर मर्सी लव एंड पिटी क्योंकि जहां पर रहम प्यार और दया की भावना ड्वेल करती है यानी रहती है लोगों के बीच में देर गॉड इज ड्वेलिंग टू और वहीं पर समझो भगवान भी ड्वेल करते हैं यानी कि रहते हैं अगर लोगों के बीच में आपस में प्यार है दया भावना है रहम की भावना है शांति अमल की भावना है आपस में तो समझो वहाँ पर भगवान रह रहे हैं क्यों क्योंकि भगवान के बनाए हुए बच्चे अगर आपस में प्यार से रहेंगे तो भगवान भी वहीं रहेंगे अपने बच्चों के साथ जहाँ बच्चे आपस में लड़ेंगे तो भगवान भी छोड़ के चले जाएंगे कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं रहना जैसे माँ बाप छोड़ देते ना दो लड़ते बच्चों को कि लड़ते रहो इतना सिखा रहे हो समझ में नहीं आ रही वैसे ही भगवान भी छोड़ देते हैं जहाँ ये चार क्वालिटीज आपके अंदर रहेंगी वहां पर मानो भगवान आपके परम परमेश्वर भी रहेंगे सो बेसिकली पोम में बहुत ही डिवाइन टच है पोएट के कहने का मतलब ये है कि आपस में एक दूसरे से प्यार करो हर इंसान को प्यार करो और उस, उनसे दया और रहम की भावना रखो क्योंकि हर इंसान के अंदर एक भगवान बसता है ओके एंड हे विकम टू ऑफ दिस सेशन आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी आई होप अदर देन दिस मैग्नेट ब्रेन्स ने ई e बुक्स भी निकाली हुई है इफ़ यू वॉन्ट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म की लिंक गिवन है विजिट दैट फॉर्म लिंक एंड आर चीम विल गेट बैक टू यू तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर